हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आर स्टूडियो में शाइनी पैकेज का यूज़ करके हम लोग सर्वर पे एक प्लॉट को आउटपुट की तरह हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो शाइनी पैकेज का यूज़ हम लोग करते हैं कि सर्वर पे कोई भी अगर वेबसाइट बनाना है या कुछ भी आउटपुट सर्वर पे चाहिए, क्योंकि हम किसी और को उसको शो करना चाहते हैं तो हम अपना कोड नहीं दिखाना चाहते हैं उसको, तो हम सर्वर पर उसको डाल करके किसी और को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइब्रेरी, शाइनी लाइब्रेरी जो है उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उसको शाइनी लाइब्रेरी बोलते हैं। तो शाइनी लाइब्रेरी कहाँ से आप ले सकते हो, या तो इंस्टॉल डॉट पैकेज का यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली शाइनी टाइप करके एंड देन यू कैन डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये क्लिक करोगे और यहाँ पर इंस्टॉल क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग उस सर्वर पर हमको डिस्प्ले करना है जो भी हमारा प्लॉट है, उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं उसका यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो एक सर्वर पे या फिर एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले उसका इंटरफेस तैयार करना पड़ता है। तो एक इंटरफेस हम तैयार किए हैं, उसका सपोज एक वेरिएबल ले लिए हैं UI, और उसमें फ्लूइड पेज एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट फंक्शन है आर स्टूडियो का, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम टाइटल पैनल दे दिया, जैसे कि एक वेबसाइट का टाइटल हो गया, उसका साइड बार किस तरीके का होगा। ठीक है, तो साइड बार इनपुट्स में हम डाल दिए ये उसका वैल्यू, एंड उसका आउटपुट जो है वो हिस्टोग्राम की तरह आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया मेरा कि कैसे मेरा इंटरफेस या फिर कैसे लेआउट दिखना चाहिए। उसके बाद जब देखोगे कि उसका सर्वर का लॉजिक, लॉजिक मतलब कि कैसे वो आउटपुट एक्चुअली सर्वर पे आ रहा है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत अच्छा सुंदर सा आउटपुट आएगा, वो देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो सर्वर के लॉजिक पर जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सर्वर का यूज़ करेंगे एक ऐसा कीवर्ड। ठीक है, और उसके अंदर हम फंक्शन डालते हैं। फंक्शन क्या डालेंगे, मुझे एक इनपुट चाहिए और एक आउटपुट चाहिए, ताकि हम किसी चीज़ को अगर इनपुट देंगे तभी वो मेरे को आउटपुट देगा। करेक्ट, तो सर्वर को हम इनपुट दे रहे हैं तो वो मेरे को आउटपुट दे रहा है। अब हमको यहाँ बनाना क्या है, एक हिस्टोग्राम बनाना है, मेरा आउटपुट एक हिस्टोग्राम आना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले एक हिस्टोग्राम बना लेते हैं, तो हिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। आर स्टूडियो में हिस्ट फंक्शन है और उसके अंदर डेटा, और उसके बाद फिर एक्स लैब, वाई लैब एंड देन ब्रेक यूज़ करके उसका अब हिस्टोग्राम क्रिएट कर लिए। ठीक है, और उसका रैंडम डेटा कितना रखेंगे हम, आर नॉम 1000। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये हो गया लॉजिक मेरा, हो गया हम यूज़र डिफाइन, उसका इंटरफेस भी डिफाइन कर लिया। अब कैसे उसको हम सर्वर पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, शाइनी ऐप लिखना है, और ये वाले लाइन, ये जो लाइन दिखना, ये लाइन को बस लिखना है। ठीक है, तो उस लाइन को लिखने के लिए क्या करोगे, सपोज मान लो हम इसको डायरेक्टली पेस्ट कर दिए, शाइनी ऐप UI इक्वल टू UI, सर्वर इक्वल टू सर्वर। मतलब हम सर्वर को बता रहे हैं कि भाई मेरे को यूज़र इंटरफेस जो हम अपना UI जो डाले हैं वो चाहिए, ये वाला पोर्शन, एंड उसका सर्वर जो डाले हैं वो भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। ठीक है, मेरा ऐप में, तो हम एंटर प्रेस करेंगे एंड देन आउटपुट देखेंगे। तो ये हो गया मेरा आउटपुट, सही है ना। तो ये आउटपुट क्या हो गया, एक हिस्टोग्राम बन गया जिसका रैंडम डेटा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हम बिन्स डाल दिए, नंबर ऑफ बिन्स, इसको हम बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है, सो ये इंटरेक्टिव एक हिस्टोग्राम बन गया जो कि एक ब्राउजर पे बन गया। अब इसको हम ब्राउजर पे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ओपन इन ब्राउजर करोगे तो डायरेक्टली एक ब्राउजर में खुल जाएगा, और यहाँ पे देखो ये बिन्स को आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, बिन्स मतलब कि आपका प्लॉटिंग का जो साइज है या फिर जो गैप है वो कैसे बढ़ घट रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे आप शाइनी एप्लीकेशन यूज़ करके हिस्टोग्राम को अपना ब्राउजर में दिखा सकते हो, या फिर एक ऐप बना सकते हो खुद का ही शाइनी एप्लीकेशन को यूज़ करके। ठीक है, और शाइनी एप्लीकेशन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करना मेरे को कि और क्या क्या कर सकते हैं उससे। ठीक है, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।